अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्चुअल गाइड। आज है हमारे साथ शाह साहब दी ग्रेट। बहुत लंबी तारीफ है शाह साहब की, जिसका करने का फ़िलहाल टाइम नहीं है। हम कहाँ आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज आपको मैंने ही शाह साहब बताएंगे। शाह साहब, हाई व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग मी हियर। एंड यहाँ पे जज़ीरतुल हमरा ये एरिया है। हम शारजा से 79 किलोमीटर तय करके 49 मिनट्स में यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं कभी भी जो है अकेला यहाँ पे नहीं आ सकता था कि एज़ पर पीपल, लोगों के हिसाब से ये एक हॉन्टेड एरिया है। सो आई विल नेवर ट्रेवल अलोन, सो आई कम विद माई बडीज। सो टूडे आई वॉन्ट टू विजिट दिस हॉन्टेड एरिया एंड वी विल सी एंड वी विल ट्राई टू शो यू ऑल्सो। आई होप यू विल एंजॉय। तो चलिए चलते हैं जज़ीरतुल हमरा, जिसको एक हॉन्टेड एरिया ऑफ यूएई या रासल खैमा कहा जाता है। आपको चल के उसकी हिस्ट्री बताते हैं, कुछ घर दिखाते हैं जो आज की डेट में एबंडेंट घर हैं, और वहाँ क्या हुआ, क्यों एरियाज एबंडेंट है, और वहाँ पे क्यों कहा जाता है कि इट्स अ गोस्ट विलेज। वहाँ चल के आपसे शेयर। वेलकम बैक एवरीवन। हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात। तो हम आ चुके हैं जज़ीरतुल हमरा, जो रासल खैमा और उमल क्वीन के बीच का एरिया है। शारजा से यहाँ तक 79 किलोमीटर्स एंड 50 मिनट्स ड्राइव। सो चलिए चलते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं, खुद देखते हैं, और हमारे शाह साहब जो हमारे साथ आए हैं उनको दिखाते हैं, और लास्ट में आपको बताएंगे इस एरिया की हिस्ट्री। ओके, ये देख सकते हैं आप, हम आई विश वी कुड गो इन, बट कम्प्लीटली अंदर झाड़ और इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ और हो ना हो, कोई स्नैक्स वगैरह। सो विल नॉट टेक अ चांस, किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदर जाके एक्सप्लोर करने को मिले। तो अंदर चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में। कहते हैं कि 1830s में यहाँ पर एक ट्राइब रहा करता था जो कि ज़हाब ट्राइब था। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अबूधाबी गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब अबूधाबी में उनको रहने की जगह दे दी। और फिर वो कब, क्यों और किस लिए इस जगह को खाली छोड़ गए, और जैसा था वैसे का वैसा, क्योंकि कुछ घरों के अंदर हम जब चलते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर इन, जैसा हमने सुना है देखते हैं कि वैसा है कि नहीं। एंड लोगों ने बहुत सारे रूमर्स बनाए कि दिस एरिया द हॉन्टेड। इवन कई लोकल न्यूज़पेपर्स में इस चीज़ के बारे में आया कि लोग कहते हैं कि ये एरिया हॉन्टेड है, इट्स अ गोस्ट विलेज। एंड लेट्स फाइंड इट आउट टुगेदर, लेट्स मूव इन। ये जो प्लांट्स हैं ये वाले, ये इसमें स्कॉर्पियंस और इस तरह की चीज़ों के खदशात, जो जो सैंड एक स्नैक होते हैं स्पेशल, रैटल स्नैक या रैटल स्नैक, वेरी डेंजरस स्नैक कैन बी एक्सपेक्टेड। देयर साइज आर वेरी स्मॉल बट दे आर द मोस्ट डेंजरस स्नैक्स इन द वर्ल्ड। पहले एक घर है कोई, उसमें हम कोशिश करते हैं आपके साथ जाने की और देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने डिज़ाइंस, पुराने स्टाइल, बड़ी बड़ी विंडोज़ रखी जाती थी गर्मी की वजह से ताकि अच्छा वेंटिलेशन बन सके, अंदर छोटे छोटे डोर्स बने। एक अलग सी खामोशी, एक अलग सा सन्नाटा है इस एरिया में, और एक अलग सा फील आ रहा है, लाइक गूज़बम्प्स जैसे हो रहे हों, रोंगटे खड़े हो जाना। सो पता नहीं क्यों, बट ऑनेस्टली थोड़ा ही थोड़ा अंदर अंदर डर भी लग रहा है। सो लेट्स कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको कवर करें और यहाँ से निकलें। ओके, जिस तरह हम घर के अंदर जा रहे हैं, एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है, और यू नो बिना गर्मी होते हुए गर्मी लग रही है और पसीने से छूट रहे हैं। शाह साहब, यू हैव द सेम फीलिंग या? मुझे जो हेरिटेज हमारी एक होती है ह्यूमंस जो पहले जैसे रहा करते थे, वो चीज़ें इस जदीद तरीन कंट्री में जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की, अभी तक भी ये चीज़ें पुरानी देख के, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी टूडे
कि जैसे मुझे लग रहा है कि मैं वो 50-80 ईयर्स जो है वो बैक पे चला गया हूँ, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह की जो चीज़ें अभी यूई में कहीं पे आपको नहीं नज़र नहीं आती। और दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस थिंग्स हियर इन यूई एरिया, और ये वही चीज़ें वही बिल्डिंग है, और ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस जगह के ऊपर बहुत अच्छा से कोई ह्यूमन जो है वो नहीं आया हूँ या रहे हूँ। इस रूम में ज्यादा गर्मी है ना, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, वुड वर्क का काम हुआ है छत के ऊपर, छत पे जिस तरह पुराने टाइम में लकड़ के साथ से बनाया जाता था। मुझे ये महसूस हो रहा है शाह साहब कि यहाँ पे लोग जब ये और इसको क्लियर किया गया है तो यहाँ पे लोग आए जरूर है रहने के लिए। डेफिनेट, जैसे कि यहाँ पे आपको लाइट नजर आ रही है, लेकिन फिर यूई जैसे मगर ये भी अगर आप शाह साहब देखें तो ये लकड़ी की चीजें यूज की गई है, मतलब कम से कम 40-50 साल पुराना है। लास्ट आबादी जो शायद कभी यहाँ पे रही है वो 40 से कम से कम 50 साल पुरानी। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस यहाँ पे के इस एरिया में जैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो रेंट आउट होती है चीजें और बिल्डिंग्स, तो इस ये जो कमरा है अगर ये शारजा और रजमान या दुबई में किसी जगह पे होता है तो ये तकरीबन काफ़ी कॉस्टली है पर मंथ। और यहाँ पे ये खाली है, ये छोड़ के लोग क्यों चले गए यहाँ से और उनको क्यों जाना पड़ा, हालांकि ये देट वॉज वेरी चीप आई थिंक लोकेशन, लेकिन समथिंग विल बी देयर डेफिनेट दिस पीपल। और ये पूरा गाँव का गाँव है। एग्जैक्टली exactly. बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस तरह से अबंडेंट पड़ा है। एंड चलिए बाहर चलते हैं, इधर थोड़ा सफोकेशन सा फील होना शुरू हो रहा है इस वक्त। ये देखिए शाह साहब, जो हम बात कर रहे थे कि 1830s के बने घर, तो ये दीवारें इस चीज़ का प्रूफ देती हैं कि अगर आप देखें तो कॉरल से, सो ये कॉरल मतलब समंदर के बीच में से कॉरल निकाल के और उस मड से ये घर बनाए जाते थे। तो ये चीज़ जो हमने आपको पहले बताया वीडियो में कि 1830s में ये आबादी बनी थी, तो ये आप देख सकते हैं कॉरल्स यूज़ किए गए हैं, मड लगा है, बाद में शायद इनका रेनोवेशन वर्क हुआ क्योंकि ऊपर ये थोड़ा बहुत सीमेंट लगा आपको दिखाई देता है, राइट। तो दैट्स अ प्रूफ कि ये वाकई एक आसार कदीमा है यहाँ का। ये अंदर से भी अगर आप देखें तो ज़रा दिखाइएगा अंदर से कि ये बहुत ज़्यादा मतलब यार मतलब मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। जो डर दो तीन किस्म के डर हैं, एक तो किसी जानवर के, और जो लोग बात करते हैं हॉन्टेड के, वो चीज़ें दो खौफ जो हैं यहाँ पे हम exactly. कर सकते हैं। वी कैन नॉट वॉक फ्रीली यहाँ पे, जो चीज़ें ऐसी हैं कि रात का टाइम इसी के लिए, जो मेरे हिसाब से शाह साहब जो मुझे मेन डर है वो जो ब्लैक स्कॉर्पियोज होते हैं, क्योंकि हम डेजर्ट के बीच में, इट्स वेरी डेंजरस, एंड सेकंड वन वो स्नेक, एंड थर्ड डेफिनेटली वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप किसी के घर में जाके उनको डिस्टर्ब ना करो, दे विल नेवर से नथिंग टू यू डेफिनेटली। सो हम यहाँ पर सिर्फ देखने आए, अगर कुछ ऐसा है भी यहाँ पर सो वी कैन नॉट कमेंट अबाउट इट, लेट्स मूव फर्दर इन। घर एक और सब यहाँ पे देखें कि ये जो घर है ये आगे जो नज़र आ रहे हैं ये एक घर नहीं है, ये बहुत से छोटे छोटे जिस तरह हमारे कनेक्टेड घर हैं और exactly. दरमियान में से दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं, तो ये एक किस्म का एक जो है वो सारा नज़र आ रहा है इस तरह। हालांकि ये लगता है कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक पार्ट ऑफ एक घर है इंडिविजुअल एग्जैक्टली exactly. उसके बाद ये वॉल टूटी है और फिर दूसरा है वहाँ पे दीवार टूट गई है, तो फिर वो भी बीच में इस तरह की आगे पूरी सीक्वेंस है इसका, एक पूरा बिल्कुल 20-25 घरों का, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको ये घर दिखाई देते हैं। यार ये रूम, ज़रा इस वक्त एक रूम में एंटर होने जा रहा हूँ, मुझे कुछ किचन टाइप सा लग रहा है, खुशबू आ रही थी यहाँ पे कुछ पकने की, तो हमने सोचा शायद भाई की दावत होगी आज। आई एम नॉट किडिंग, खुशबू डेफिनेटली आ रही है किसी चीज़ की, मतलब आप देख सकते हो हाथ कांप रहे इस वक्त लिटरली, लेकिन अब आपको दिखाना ज़रूर है कि व्हाट जज़ीरतुल हमरा इज़ ऑल अबाउट, लेट्स मूव इन। ओ भाई कुछ सुनाई दिया या मेरे कान बोल रहे हैं? मैं तो इसमें नहीं आना चाहूंगा। या एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक, ओह
भाई ये देख सकते हो आपके, मतलब ये हालत है कि पसीने इस तरह से छूट रहे हैं और हाथ जो है बिल्कुल शेक कर रहे हैं इस वक्त। ये तंदूर सा बना है मेरे हिसाब से, तंदूर है या कुआं है? नहीं सर, ये कुआं है। इट्स अ वेल, पानी को वेल है ये, पानी को ठंडा रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए जो है ये चीजें बनाई है। लेकिन आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम दिस रूम। एग्जैक्टली, कुआं भी है और कुएं के बारे में काफ़ी सारी रवायात जो हैं वो अरब कल्चर में भी और एशियन कल्चर में भी मौजूद हैं कि कुओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये ड्राई कुआं है और ये मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। तो कबार ये थोड़ा सा कि कभी कभी फ्रेंकली स्पीकिंग टू यू गाइस, कभी कभी हमें इस एरिया में 100 कह लें कि 200 मीटर्स के करीब कोई इस वक्त इंसान नहीं है हमारे अलावा। लेकिन जहाँ पे जो है वो कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे दरवाज़ा बंद होने की या कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ जो है वो आती है। एग्जैक्टली, टाइम टू टाइम किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ आती है, पास से कोई गुजरा, कुछ गिरा, कोई दरवाज़ा किसी ने बंद किया, जैसे गुस्से से कोई दरवाज़ा पटक देता है। सो आई बिलीव और बात तो हो नहीं पाएगी, थोड़ा सा आपको बाहर से स्ट्रीट्स दिखाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रात का आखिरी पहर चल रहा है, फजर में कुछ ही मिनट सब बाकी हैं, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और हम वहाँ पहुँचे एक मस्जिद के पास जो कि लग रहा है कि कई सालों से बंद पड़ी है। और पर्सनली मैं नहीं जाना चाहूँगा अंदर। शाह साहब नहीं, मैं भी आपकी सेम फॉलो करूँगा आपको, और बेहतर यही है कि इस वक्त जो है यहाँ पे ना जाया जाए, क्योंकि जितनी भी क्रिएचर्स हैं अल्लाह ताला ने जो पैदा की हैं दुनिया में, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है और दे आर लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल। तो हमें किसी को अल्टीमेटली, हमारा पर्पस भी किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, हमें सिर्फ आपको जो है ये नया एरिया जो यूई में है इसको एक्सप्लोर करना था, बताना था। तो मेरे ख्याल काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई है कि ये मस्जिद जो है कब से बंद है और कोई भी कभी भी ह्यूमन यहाँ पे नहीं। कम से कम कई, मेरे ख्याल से तो 50 से 60 70 साल या शायद 100 साल पुरानी हो सकती है। एक बात जो नोट की है ना, वो ये नोट की है कि लोगों ने इसको, जिसकी जो इमारत की है, इसकी जो ये चीज़ है, इसको आबाद करने की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूई जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में जहाँ पे जो जगह जो है, घर है, ये वेरी एक्सपेंसिव और बड़े, यहाँ पे लोगों ने इसको आबाद करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली, कई बार रेनोवेशन, मतलब कई घरों में हमें न्यू इसकी जो कंस्ट्रक्शन लग रही है, यानी जैसे ये कंस्ट्रक्शन है, इसको मेरे ख्याल 20-25 ईयर्स बिफोर तक भी इन्होंने कोशिश की। एग्जैक्टली, क्योंकि सीमेंट यूज हुआ हुआ है, कलर यूज हुआ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ पे रहे नहीं हैं और आबाद हुए होंगे, आए होंगे, तभी ये चीज़ें दोबारा जो है रिफर्बिश्ड की गई हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ पे रहना पसंद नहीं किया, यहाँ से वो 10 times 20 times मोर जो है वो एक्सपेंसिस करके तो दूसरे एरियाज़ में रह रहे हैं, ये एरिया वो छोड़ के क्यों चले गए जो मेन जो इसकी जो की है। और इट्स लुकिंग समथिंग, इट्स मेकिंग मोर सस्पिशियस। एग्जैक्टली, सो गाइस अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मेरे गूज बम्स इस टाइम फुल रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े मस्जिद के पास शूट कर रहे थे, लाइट्स की वजह से हमें दो सिग्नल्स मिल गए कि भाई हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो आई बिलीव, एक क्विकली आपको बता दूं कि इसके आसपास के एरियाज़ में हेरिटेज एरिया इसको बना दिया गया, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन राइट नाउ, लेकिन द बेस्ट टाइम वुड बी कमिंग हियर बिफोर द सनसेट, उसके बाद आना आई वुड नेवर रिकमेंड डेफिनेटली। सो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आई बिलीव हमें ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। शेयर सब नोट की यहाँ पे कि इस एरिया को, जो स्पेसिफिकली एरिया जिसमें अभी हम इनसाइड हैं, यहाँ पे इन्होंने जंगला लगा के इसको क्लोज किया। एग्जैक्टली, exactly. ताकि जनरल पब्लिक के लिए आना, मगरब के टाइम अंदर हम एंटर हो गए थे, मे बी हम जब वापसी जाएं तो वो बंद हो, लेकिन ये है कि इस पूरे एरिए को जंगले के साथ कवर किया गया, फेंसिस लगाई गई हैं इस पूरे एरिए को, पूरे गांव को कह लें आप, तो वो भी हम जाते हुए शहर। एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया आफ्टर सनसेट। सनसेट से पहले इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सनसेट के बाद यहाँ पर किसी का भी आना पॉसिबल नहीं। वी शुड मूव हियर, आई एम समथिंग नॉट फीलिंग गुड। ओके, सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले. दिस इज मोहसिन अली विद शाह साहब साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. वो फेंस जिससे बंद किया जाता है और इस एरिया को कम्प्लीटली बंद रखा जाता है ताकि कोई भी सनसेट के बाद ना आ सके.